नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त के डी ऑडियो की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर था, ये भाई हमारे अपने जो अलवर से थे भाई साहब, उनका ये एम्पलीफायर रेडी होना था, तो उनसे ऑर्डर आया पड़ा था हमारे पास। बट ये कि भाई वो थोड़े से मतलब उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का स्वभाव है उनका। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने ऑर्डर दिया, वो पर्सनली विजिट करके गए थे हमारे पास, हमारे घर पे विजिट करके गए थे बाकायदा। तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी, उन्होंने कोई ऐसे हबड़ तबड़ नहीं करी। उन्होंने बोला था कि भाई हमारा सेट आप आराम से और तसल्ली में बनाना, तो उस हिसाब से हम सेट को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये किट का मैंने वीडियो कम से कम भाई एक महीने के समथिंग पहले मैंने इसका वीडियो डाल दिया था, आपने ये वीडियो देखी होगी इस किट की, ठीक है। ये 100+100 वाट की किट है, और भाई जो अनपढ़ जो लोग हैं हमारे, जैसे बहुत से अनपढ़ जो गवार आदमी होते हैं, उनके लिए 4200 वाट का एम्पलीफायर है। तो भाई मैं उनको समझा दूँ, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं भाई, उनसे बड़ा दिमाग ख़राब रहता है। मैं इस वाट को भाई मॉडल नंबर बताता हूँ, आप इसको PMPO भी ना समझे, PMPO भी नहीं होता भाई। 4200 वाट का PMPO भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये PMPO के बराबर का भी नहीं है। इसका मॉडल नंबर होता है 4200 वाट। मुझे आज भाई बड़ी मुश्किल से बात, बड़ी मतलब दुख के साथ कह रहा हूँ कि भाई लोग इतने अनपढ़ तरीके से मतलब वाहियातें बातें करते हैं कि जिनका भाई कोई तोड़ नहीं होता। खुद मैंने लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने 5000 वाट उसका मॉडल नंबर था, मैंने बताया था कि भाई इसका 5000 वाट इसका मॉडल नंबर है। जब कहते हैं लोग मुझसे 5000 वाट का तो एम्पलीफायर हो ही नहीं सकता, आप लोगों को पागल बना रहे हो, अरे भाई वीडियो को पूरा देख लिया करो, एंड तक देख लिया करो, शुरू से एंड तक उसमें देखा करो कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ वीडियो में, तो वो चीज़ चेक करा करो वीडियो में भाई। आधी वीडियो देख के मत मेरे पास कमेंट करने आया करो, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान है। आधी अधूरी ज्ञान हमेशा नुकसान ही देता है, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है, ठीक है। तो भाई अब रही बात एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर देखो आपके सामने ऑन है, ठीक है। अब एम्पलीफायर में भाई ये जो ट्रांसफार्मर है, जो ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, आप जो ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं भाई, ये ट्रांसफार्मर इसमें नहीं लगेगा, ये चेकिंग के लिए सिर्फ लगा रखा है ट्रांसफार्मर, 26026 का ट्रांसफार्मर है, तो ये चेकिंग के लिए है ये बस, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो कस्टमर के पास खुद के पास अपना रखा हुआ है, गुरु का 30036 6 एम्पियर, मतलब कि इससे बहुत हैवी ट्रांसफार्मर है वो गुरु का ही है। जब ये कंप्लीट इसमें वो ट्रांसफार्मर भी लगेगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा इस कंप्लीट एम्पलीफायर का लुक कैसा रहेगा। तो बात करते हैं इस बोर्ड की, तो ये डेक्सा का बोर्ड है भाई अपना पर्सनली, 100+100 वाट का बोर्ड है। और जो ड्राइवर सेक्शन जो इसके अंदर यूज़ करा गया है भाई, मैं वो ड्राइवर सेक्शन आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो ये ड्राइवर सेक्शन है भाई, ये 500+500 वाट का ड्राइवर सेक्शन है, मतलब कि इसे ज़्यादातर जो आज के जो बोर्ड आ रहे हैं ना, आप इस ड्राइवर सेक्शन का पूरा फोटो उठा के, आपका जो 500 वाट का जो ड्राइवर सेक्शन आज की डेट में अवेलेबल है, मौजूद है जो मार्केट में, वो ड्राइवर सेक्शन इनमें लगा हुआ है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पाएगा, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है इस ड्राइवर सेक्शन में और जो ड्राइवर सेक्शन मार्केट में 500 वाट के एम्पलीफायर में लग रहा है, और 1000 वाट में जो लग रहा है सेम ड्राइवर सेक्शन है, ठीक है। तो 500+500 वाट का ड्राइवर सेक्शन यहाँ हो जाता है, बाकी आउटपुट में आप देख सकते हैं। और ग्लोबल नेटवर्क के साथ 10 ओम की रेजिस्टेंस इधर लगी हुई है, दोनों तरफ लगी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाती है प्लस में। बास ट्रैवल की बात कर लेते हैं भाई, बास ट्रैवल इसी ऑडियो बोर्ड के साथ आती है, कंप्लीट इसी बोर्ड के साथ ये बास ट्रैवल आती है, जो कि डायरेक्ट हमारे इस बोर्ड की प्लस माइनस ग्राउंड की सप्लाई से और हमारे डायरेक्ट इस वाले सेक्शन में जा रही है प्लस माइनस ग्राउंड में। ये यहाँ से अगर आप इसमें 50040040 का ट्रांसफार्मर आप नॉर्मली लगाएं इसमें बेसिकली, बट जो कस्टमर था उनके पास 30030 का उन्होंने परचेज करा था न्यू गुरु का, तो हालांकि इसमें जो और तगड़ी जो क्वालिटी मिलती है वो भाई वो 40040 के ट्रांसफार्मर पे मिलती है, ये चीज़ मैंने पर्सनली चेक करी, बट भाई उनका जो ट्रांसफार्मर है वो आपका 30030 टॉयडल ट्रांसफार्मर से डबल रेट का ट्रांसफार्मर है गुरु का, तो आपको नाम ही पता है, ठीक है, जैसे कि आपको सभी को पता है। तो इसकी जो वोल्टेज होती है भाई, अगर इसमें 40 वोल्ट जा रही है, 50 वोल्ट जा रही है, 60 वोल्ट जा रही है, वो डायरेक्ट आपके भाई यहाँ पे आएगी इस वाले सेक्शन में बास ट्रैवल के में, यहाँ से वो जीनर डायोड के थ्रू, ये 1K की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो गई जीनर डायोड के थ्रू इसमें बास ट्रैवल में, जो अंदर जो वोल्टेज जो प्रॉपर इन होती है वोल्टेज भाई, वो 15015 इन होती है, ठीक है, 15015 इन होती है या 12012 के आसपास इसमें इन होती है। तो ये सभी जो इसमें है ये कनेक्टर ये बोर्ड के साथ ही आते हैं, ये सभी कनेक्टर बोर्ड के साथ आते हैं, ये जितने भी कनेक्टर आप देख रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको, कनेक्टर टू कनेक्टर कनेक्ट करने हैं, देन उसको आपको चालू करना है, ठीक है। ये बोर्ड इस टाइम कम्प्लीटली वर्किंग में, और वहाँ पे आप उस साइड जो देख रहे हैं भाई, ये हमने सॉफ्ट स्टार्टर लगाया, क्योंकि ट्रांसफार्मर के लिए थोड़ा, हालांकि देखो भाई आप 40040 तक या 50050 तक नहीं भी लगा सकते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट 50050 से ऊपर आप लगा सकते हैं, बट भाई थोड़ा सा कस्टमर की अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन थी कि आप लगा के दो, तो हमने लगा दिया, क्योंकि भाई देखो कुछ नहीं तो अगर आप 0% भी सेफ्टी कहते हैं कि भाई 0% भी इससे कोई फायदा नहीं, बट भाई हम 0.1% भी अगर इससे सेफ्टी लेते तो हमें इससे बेनिफिट है, इस वजह से हमने इसमें लगा दिया। बाकी भाई इस किट के साथ ये वाली अपनी स्पीकर प्रोटेक्शन एक आती है,
ये भाई स्पीकर प्रोटेक्शन नहीं कह सकते, एक तरह से फ्यूज़ प्रोटेक्शन है कि कल को आपकी वायर इधर उधर शॉर्ट हुई तो ये अपना वर्क कर देगी, ठीक है। फ्यूज़ उड़ता है और कुछ नहीं उड़ता इसका। और सामने जो आपको देखने के लिए मिलता है इस एम्पलीफायर में भाई, ये बेस, ये ट्रेबल, ये बैलेंस और ये आपका मिड, ठीक है। ये मास्टर वॉल्यूम हो जाता है, ये ऑन ऑफ, और ये पगारिया का बीटी कार्ड हमारा हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी भाई कंप्लीट इस एम्पलीफायर को बनवाना चाहे वो बनवा सकता है, लेना चाहे वो ले सकता है। 30-30 में मिल जाएगा, 35-35 में ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, 40-40 में मैक्सिमम मिल जाएगा, 45-45 में भी मैक्सिमम ये आपको एम्पलीफायर मिल जाएगा। दो फैन सामने चल रहे हैं, वो रनिंग में है फैन। अभी इस एम्पलीफायर में बहुत सारा काम होना बाकी है, तो थोड़ी सी साउंड टेस्टिंग मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है। तो साउंड टेस्टिंग भी सुन लेना भाई, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कनेक्ट करा हुआ है, तो वो थोड़ी सी आप साउंड टेस्टिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो भाई गाना बीच बीच में रोक रोक के कोई दूसरा चलाएंगे नहीं, एक गाना नहीं चला सकता कंटिन्यू। बट ये है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है एम्पलीफायर की, ठीक है। तो वो चीज़ें आप चेक करते रहना कि साउंड की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है एम्पलीफायर में, कोई ऐसी बात नहीं है दिक्कत वाली। तो मैं भाई वीडियो में सिर्फ इतना ही सुना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी भाई एम्पलीफायर का या कंप्लीट एम्पलीफायर चाहिए, 200 वाट का है भाई, पर डेक्सा है। तो देखो मैं आपको पहले ही वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसने अभी तक किसी की कॉपी नहीं करी है, बट इसका डायग्राम लोगों ने कॉपी कर रखा है मार्केट में, सब इसी का ही डायग्राम लेके इधर से उधर बेचते हैं। बट ये है जो अभी तक किसी का इसने कॉपी नहीं करा है, ठीक है। इनके खुद के पर्सनली 2-4 ही बोर्ड है जिनके मार्केट में पर्सनली सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इस वाले यूट्यूबर से उठा लिया, उस वाले यूट्यूबर से उठा लिया, वहाँ से उठा के वहाँ से प्रिंट करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। ज़्यादातर भी अगर आप यूट्यूब में देखोगे तो ये वाला बास ट्रेवल भी आपको लोगों पे कम देखने के लिए मिलेगा। बट ये कि भाई उन्होंने इधर उधर से थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके इससे परचेज़ करा, उससे परचेज़ करा, तो ऐसे करके उन्होंने छपवा रखे, बनवा रखे, बट इनका कोई खुद का कुछ वो नहीं है। तो भाई इनके जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आप 100-200 वाट का कंप्लीट एम्पलीफायर ले लोगे, वहाँ आपको अगर आप इस एम्पलीफायर को लोगे तो शायद लोकल एम्पलीफायर लोगे, वहाँ पे अगर थोड़ा सा पैसा डबल कर देते हो तो आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल सकती है, इतना मुझे पता है, ठीक है। अच्छी चीज़ का मतलब ये है कि आप एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी से प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो डेक्सा का खुद का अपना एक ब्रांड रहा है भाई शुरू से, वो मार्केट में शुरू से अस्तित्व बना के बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप कभी भी इनसे या तो पर्सनली आप वहाँ जाके ले सकते हैं जहाँ पे इनकी शॉप है, वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या भाई अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट एम्पलीफायर हमें बना के दे दो तो कंप्लीट एम्पलीफायर भी आपको बना के दे देंगे, और कंप्लीट एम्पलीफायर बहुत दांसू बना के देंगे 200 वाट में। 200 वाट अगर आप चला के देखोगे तो भाई 200 वाट आपको प्रॉपर नहीं लगेगा कि 200 वाट है, कम से कम भी ऐसा लगेगा 450 वाट का आउटपुट दे रहा है। बट अभी तो इसमें जो हमने ट्रांसफार्मर लगाया बहुत ही कम वोल्टेज का लगाया, मतलब कि 26026 है, और एम्पियर तो उसका भाई वही 6-7-8 एम्पियर के समथिंग जो भी होगा होगा ही वो, क्योंकि प्रॉपर हमने इसका मेजरमेंट अभी नहीं कराया। तो इसमें जो प्रॉपर ट्रांसफार्मर लगने वाला है भाई, वैसे तो इसमें 6 एम्पियर मिनिमम होना चाहिए, बट आप मैक्सिमम अगर आप इसमें 8 एम्पियर दोगे, 10 एम्पियर दोगे तो बहुत ही साउंड क्वालिटी बेहतरीन आने वाली है। बट मैं तो गुरु का इसमें 6 एम्पियर रिकमेंड करता हूँ कि भाई गुरु का लगाओ 6 एम्पियर, क्योंकि उसका 6 एम्पियर और भाई जो चपलू पपलू बैठे हैं जो आज के डेट में मार्केट, उनका 12 एम्पियर भाई बराबर है, वो उनके 12 एम्पियर की धज्जियाँ उड़ा देगा, इतना तगड़ा ट्रांसफार्मर आता है। और जब इसमें जो वो ट्रांसफार्मर गुरु का लगेगा तो सेट की चमक रौनक ही अलग हो जाएगी। तो वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में जो कोई हमारा नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें दिखाऊंगा आपको 100% इसमें, उसमें आपको कंप्लीट गुरु के साथ इसका दिखाऊंगा, क्योंकि हमने अभी जो ये वाला जो ट्रांसफार्मर लगा रखा है 0-12 ये भी इसमें गुरु का ही लगा हुआ है। बट ये क्या है कि आपको दिखेगा नहीं, जब कंप्लीट इसको हम रेडी करेंगे, मतलब इसमें ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे बड़े वाला, तब आपको दिखाएंगे। तो जब कस्टमर वो पर्सनली हमारे पास विजिट करेंगे अपना ट्रांसफार्मर लेके, तब हम उसको चेंज करके और इसमें लगा के और इसको कंप्लीट सेट को बना के उनको देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो KDUDU चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और KDUDU चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।